गाइस, वेलकम यू आर इन साई मुजफ्फर 2.0। गाइस, आज मैं आपको रिवील करूंगा अपनी कॉइन कलेक्शन। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी कोरियन कॉइन कलेक्शन से। आप यहां देख सकते हैं, मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है। एक यहां पे कॉइन शुरू होता है 500 से। ये 500 वॉन है कोरिया का, ये है 500 वॉन कोरिया का, ये 100 वॉन है कोरिया का, ये भी 100 वॉन है कोरिया का, ये 50 वॉन है कोरिया का, और ये 10 वॉन है कोरिया का। ये आप देख सकते हैं, ये 1989 का कॉइन है, ये 2012 का कॉइन है, ये 1986 का है, ये 1991 का है, और ये 1979 का है। इसमें सबसे ज़्यादा रेयर ये 10 वाला है, क्योंकि ये अब कोरिया में भी इतना नहीं चलता है, बहुत ही रेयर है। 500 के कॉइन के पीछे ये आपको ईगल बनी हुई मिल जाती है, और ये कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। 100 रुपीज़ के कॉइन के पीछे, 100 वॉन के कॉइन के पीछे आपको वहाँ के किंग बने हुए मिल जाते हैं। 50 वॉन के कॉइन के पीछे आपको वीट बना हुआ मिल जाता है, और ये कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। 10 वॉन के कॉइन के पीछे आपको वहाँ का टेंपल या फिर कोई मॉनेस्ट्री बनी हुई मिल जाती है, और इस पर भी कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये है द बैंक ऑफ कोरिया। इसकी हालत थोड़ी सी गंदी हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। ये इंडिया के आफ्टर पार्टीशन के कॉइन्स हैं। स्टार्ट करते हैं इससे। ये 1 पैसा 1965 का कॉइन है। ये इसके पीछे अपना एम्ब्लेम बना हुआ है इंडिया, यहाँ पे भारत लिखा हुआ। ये है 3 पैसा 1965, इसका एम्ब्लेम पीछे से थोड़ा ख़राब हो चुका है, वैसे यहाँ पे भी इंडिया लिखा है, यहाँ पे भारत। इसके पीछे रुपया 1 सेवा भारत भाग, नया पैसा, ये 1963 का कॉइन है। इसके पीछे भी इंडिया, एम्ब्लेम भारत। ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है। ये है 1 पाइस इंडिया 1945। ये काफ़ी रेयर तो नहीं है, पर है ये थोड़ा रेयर। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है। ये है 50 पैसा 1974। ये कोई बहुत रेयर नहीं है, पर मैंने कहा इसको भी ऐड कर देते हैं। भारत, इंडिया, एम्ब्लेम। ये रेयर बोला तो नहीं जाता है, पर ये मैंने दोबारा कभी देखा नहीं है। ये राजीव गांधी 1944, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ, 1991 तक ये इनकी डेथ हुई है। ये 1 रुपी कॉइन है, रुपया भारत, इंडियन रुपी। ये 20 पैसा 1986, भारत, इंडिया। गाइज, ये इंडियन ब्रिटिश टाइम के कॉइन्स हैं। ये इंडियन कॉइन्स है, और इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मैं दिखाना चाहूँगा कि इस पर सही से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या बना है। ये उस टाइम की रानी की है, और इस पर पीछे तो बिल्कुल ही मिट चुका है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, ये शायद थोड़ा थोड़ा नज़र आए। यहाँ पे लिखा है किंग, मैं बता देता हूँ, वैसे आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। ये 7th किंग थे, ये है किंग वी जॉर्ज एम्परर। ये है इंडियन 1 क्वार्टर, ये भी काफ़ी हद तक मिट चुका है पीछे से। ये वाला देख सकते हैं आप,
इंडियन वन क्वार्टर आना, इंडियन 1905, ये 1905 का कॉइन है। ये भी 1905, ये जॉर्ज वी किंग एम्परर का है। ये वो अलग था, वो किंग जॉर्ज वी किंग एम्परर था, और उसमें एक जो थी वो क्वीन का कॉइन था। ये है वन, ये है हाफ पाइस, इंडियन 1922, ये 1922 का है, ये भी काफ़ी रेयर है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों काफ़ी रेयर है। गाइस मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये भी जॉर्ज वी किंग एम्परर का है, ये इंडिया हाफ पाइस है 1946। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया हाफ आना 1946। ये वाला है जॉर्ज वी किंग एम्परर का वन आना, ये 1939 का कॉइन है। गाइस ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस है जॉर्ज वी किंग एम्परर का, ये रियल सिल्वर कॉइन है, 1 रुपी, इंडियन 1944। ये सिल्वर कॉइन है चांदी का, ये काफ़ी बड़ा है। अगर आप इस कॉइन के साथ कंपेयर करें इसे, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा है। ये मेरे पास बांग्लादेश का कॉइन है, ये रेयर तो नहीं है पर ये मुझे कहीं से मिला था, तो मैंने कहा इसको भी कलेक्शन में ऐड कर देते हैं। ये एक ही कॉइन है मेरे पास बांग्लादेश का, ये 2 टका है, और ये बांग्लादेश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। दिस इज माई दुबई कॉइन कलेक्शन, ये देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके पीछे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दरहम, दुबई की करेंसी दरहम होती है। दूसरा थोड़ा सा नया, इससे भी सेम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 1 दरहम। गाइस ये सऊदी की कॉइन्स है, ये सऊदी का 50 पैसे का कॉइन है, देख सकते हैं इस पर कोकोनट ट्री और स्वॉर्ड बनी हुई है। ये शाइन मार रहा है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है इसमें। ये सऊदी का 25 पैसे, इस पर भी कोकोनट ट्री और स्वॉर्ड बनी हुई है। ये भी 50 पैसे, इस पर भी कोकोनट ट्री और स्वॉर्ड बनी हुई है। गाइस ये नेपाल का 20 रुपया है, नेपाल का कॉइन है ये, यहाँ पे लिखा है श्री भवानी, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे विजिट नेपाल, यहाँ पे रुपया। श्री श्री वीर शाह देव वीरेंद्र विक्रम,
कॉइन काफ़ी भारी है, काफ़ी मोटा कॉइन है, इसकी विड्थ देख सकते हैं, इससे कंपेयर करें तो पता चलेगा। गाइस ये पाकिस्तान के कॉइन की कलेक्शन है, 1985 पाकिस्तान का जो लोगो होता है, एम्ब्लेम जो वहाँ के फ्लैग पे भी होता है, ये 50 पैसे का कॉइन है। ये पता नहीं कितने पैसे का कॉइन है, मेरे ख्याल से हाफ पैसे का कॉइन है ये, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 10 पैसा है, 1963 का कॉइन है। इस पे मोहम्मद अली जिना बने, ये 2009 का कॉइन है, ये बहुत ही लाइट वेट है, ये 1 रुपया है पाकिस्तान का। इसके पीछे वहाँ की मॉस्क बनी हुई, ये 1 पाइस है पाकिस्तान का, 1958। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 1 पाइस, 1957। So guys, I hope you like the video. If you like the video, don't forget to hit the subscribe button and don't forget to press the bell notification icon for never miss any updates from my channel. So, bye bye friends.